राजगढ़ जिले में हो रही जोरदार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जगह जगह नदी नाले उफान पर होने से कई मार्ग बंद हो गए हैं। वहीं पार्वती नदी में बाढ़ से किसानों की सोयाबीन फसल भी नष्ट हो गई। जिले में नदी नाले उफान पर आ गए हैं, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। प्रदेश के राजगढ़ जिले में तेज बारिश के कारण जिले की नेवज, पार्वती, अजनार सहित उतावली नदी उफान पर है। तेज बारिश के कारण जिले में कोटली कला के समीप सुकर नदी उफान पर होने से गांव जलमग्न हो गया। कुरावर, नरसिंहगढ़, मलावर, ब्यावरा सहित कई इलाकों में लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस गया है। ब्यावरा में GRP थाने के अंदर पानी घुस गया। वहीं कुरावर में सड़कों में 2 फीट से अधिक ऊपर पानी भरा होने से सड़क जलमग्न हो गई है। वहीं किसानों के खेतों में बोई कई सोयाबीन सहित कई फसलें नष्ट हो गई है। राजगढ़ से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। हाँ, क्या खेतों में? खेतों में पानी भरा हुआ, सब फसल नष्ट हो गई। पहला पानी है, अभी दूसरा जब पानी गिरेगा तो पूरी बरसात परेशानी रहेगी। यहाँ क्या फसलें लगा? सोयाबीन लगा हुआ है, सब्जी लगी हुई है, टमाटर है, मिर्ची है, भट्टे है, बल्लर है। कितना कितना पानी खेतों में भरा हुआ है? खेतों में हमारा यहाँ से घेटू घेटू पानी भरा हुआ है, मतलब 2-2 फीट करीब पानी भरा है। अच्छा, पूरी फसलें नष्ट हो चुकी? पूरी फसलें नष्ट हो चुकी है उसकी। हम तो प्रशासन से यही चाहते हैं कि भाई हमारा सुनवाई करे और इस पानी का निकाल करे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। रतलाम जिले के